प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी तक मणिपुर मामले में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। संसद में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं दी गई। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने की मांग की जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर संसद के अंदर नारेबाजी हो रही है, जिसके चलते कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। हालांकि BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि संसद भवन में चर्चा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर सार्थक रूप से करनी चाहिए। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है वो पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के लोगों ने यही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। इस मामले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भड़क उठी। स्मृति ईरानी के द्वारा जो कुछ कहा गया, क्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे कई राज्य जो विपक्ष के द्वारा शासित है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहां पर भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है और कई सारी घटनाएं उनके साथ भी की जा रही है, तो फिर उनके साथ चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की जा रही।